हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ अन्ना। तो गाइस, आज का मेरा वीडियो टोटली अलग तरीके का है। जनरली मैं आप सबके साथ कुर्ती के वीडियो शेयर करती रहती हूँ, टॉप्स के वीडियो शेयर करती हूँ, लुक बुक भी आपको दिखाती हूँ। उसमें मुझे कई सारी कमेंट्स ऐसी आती है कि दीदी, हमारे पास सिंपल वाली कुर्ती है, हमारे पास नॉन ब्रांडेड कपड़े हैं, सिंपल वाले सूट है, तो उसको कैसे स्टाइलिश दिखाए, उसको कैसे अट्रैक्टिव दिखाए, प्लीज़ हमें कुछ टिप्स बताए। तो मैंने सोचा ये एक बहुत काम का वीडियो है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे आप आपके सिंपल सूट को या तो सिंपल वाली कुर्ती को भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिखा सकते हो। जनरली कई हम गर्ल्स ना काफ़ी सारे पैसे खर्च करते हैं स्टाइलिश दिखने के लिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए, और ऑब्वियसली हमें करना चाहिए। बट अगर वो आपके पैसे सही जगह पर खर्च होते हैं तो सही बात है। बट अगर आप इतने पैसे खर्च करने के बाद भी अगर आपके ऊपर वो कपड़े अच्छे बिल्कुल नहीं लगते हैं, तो आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। कई लोगों का मानना ये भी होता है कि अगर हम ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे तो ही हम ब्यूटीफुल लगेंगे। नो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे ब्रांडेड कपड़े पहनो या नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनो, आपको कुछ टिप्स पता होनी चाहिए कि आपके ऊपर कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रांडेड कपड़ों के ऊपर कई सारे हमारे पैसे खर्च कर देते हैं, फिर भी वो कपड़े हमारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सिंपल वाले लोकल मार्केट से भी परचेज़ किए हुए कपड़े पहनते हो ना, तो भी आपके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आज मैं आपको वही टिप्स बताने वाली हूँ। तो चलिए, देर किस बात की, वीडियो आज का हमारा स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने मेरी आईडी मेंशन कर दी है। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहला यहाँ पर मेजर हमारा पॉइंट ये है, आपको कलर, हाइट और जो डिज़ाइन है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप ना पटियाला सूट पहनो, चाहे आप सूट बनवाने वाले हो या तो आप कुर्ती परचेस करने वाले हो ना, तो उसमें आपको नी तक की आपको कुर्ती परचेस करनी चाहिए या तो बनवानी चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी दिखती है। तो नी तक की अगर आप वो सिलवाओगे या तो कुर्ती पहनोगे ना, तो आपकी हाइट कम है तो ज़्यादा ध्यान में नहीं आएगी। और अगर आपकी हाइट मेरे जैसे लॉन्ग हाइट है, तो आप अनारकली सूट पहनो या तो अनारकली कुर्ती आप पहन सकते हो, जिसमें आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी दिखेगी और लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास जो कुर्ती आपने परचेज की है या तो आपने जो सूट सिलवाया है काफ़ी सिंपल वाला है, तो उसमें आप नेक की डिज़ाइन काफ़ी ब्यूटीफुल बनवा सकते हो। आपके जो कुर्ती है उसमें लटकन भी लगा सकते हो, आप स्लीव में भी लटकन लगा सकते हो। ऐसे कई अलग अलग तरीके की आप डिज़ाइन बनवा सकते हो, जिससे आपकी जो सिंपल वाली कुर्ती है या तो सिंपल वाला जो सूट है काफ़ी अच्छा दिखेगा और स्टाइलिश दिखेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी स्किन टोन है ना, उसी हिसाब से आप कलर पहनिए, क्योंकि कलर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कई बार अगर आपने डार्क कलर पहना है और आपका स्किन टोन बहुत ज़्यादा डार्क है, तो वो आपके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। तो आप ध्यान में रखिए, आपके ऊपर जो कलर सूट करता है उसी हिसाब से आप कुर्ती या तो सूट पहने। यहाँ सेकेंड यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आप रेडीमेड कुर्ती लेते हो या तो आप स्टिच करवाने देते हो कुर्ती या तो सूट, तो आपको फिटिंग काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखनी है। काफ़ी ज़्यादा लूज़ अगर आपने कपड़े पहने हैं तो वो आपके ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। फिटिंग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप सही फिटिंग वाले कपड़े पहनते हो, तो भले ही आपने वो लोकल मार्केट से लिए हो, नॉन ब्रांडेड कपड़े लिए हो, फिर भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। फिटिंग काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, तो आप ध्यान में रखिए। अगर आपने ऑनलाइन कोई आपने कुर्ती ली है, तो अगर आपके साइज़ की नहीं आती है, तो आपके टेलर के पास से अच्छे से फिटिंग करवा लीजिए। भले ही आपने 200 वाली 300 वाली कुर्ती ली है, फिर भी अच्छी फिटिंग होगी ना, तो आपके ऊपर कुर्ती या तो जो भी आपने सूट पहना है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ओके, तो थर्ड यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है कि आजकल ना श्रग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। आप टी शर्ट जींस के ऊपर भी श्रग पहन सकते हो, या तो आप साड़ी के ऊपर भी श्रग पहन सकते हो। आप ऐसी कुर्ती, ओपन स्लिट वाली कुर्ती भी ले सकते हो जिसमें श्रग आता है, तो श्रग वाली आप कुर्ती पहनोगे तो काफ़ी ट्रेंडी भी लगेगी, काफ़ी स्टाइलिश भी लगेगी। अगर आपको लगता है कि आप जींस और
टी शर्ट पहन के काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए हो, तो ऐसे इंडो वेस्टर्न टाइप के आजकल आपको मार्केट में कई सारे श्रग्स मिल जाएंगे, तो आप टी शर्ट या टॉप के ऊपर श्रग पहनकर वो जो लुक है उसको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हो और आप भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सकते हो। वो एक ही श्रग आपको काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टी शर्ट के ऊपर काम आएगा, तो आपको इन्वेस्ट काफ़ी 500 या 600 रुपये करना है। इतने कम पैसों में आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुक भी मिल जाएगा और आप ब्यूटीफुल भी दिखोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि अगर आपके पास सिंपल वाली कुर्ती है या तो आपके पास सिंपल वाला सूट है, तो आप उसको कैसे अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। आजकल आपको ना कई सारे ऐसे स्कार्फ्स मिल जाएंगे, ऐसे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, तो आप इसको आपकी कुर्ती के साथ पहन सकते हो। आपने जब जीन्स या कुर्ती पहनी है तो उसके ऊपर आप स्कार्फ्स लगा सकते हो या तो स्टॉल को पहन सकते हो। स्टॉल को अलग अलग तरीके के पहनने का वीडियो भी आपको कई सारा मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप आपकी सिंपल कुर्ती को या तो सिंपल सूट को भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिखा सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है ना, वैसे तो काफ़ी सिंपल वाला पॉइंट है, बट हम लड़कियाँ इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, हेयर स्टाइलिंग के ऊपर। जब भी हम बहुत ज़्यादा हरी में होते हैं या तो काफ़ी हमें कई बार फटाफट जाना होता है, तो हम हमारी हेयर स्टाइलिंग के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। भले ही आपने कोई ब्रांडेड कपड़े पहने हो या तो हैवी वाले कपड़े पहने हो, महंगे कपड़े पहने हो, अगर आपने हेयर स्टाइल अच्छी नहीं बनाई है तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखता है। भले आपको कोई बहुत ज़्यादा हैवी वाली हेयर स्टाइलिंग बनाना ना आता हो, बट आप सिंपल वाली साइड में ब्रेड बना सकते हो या तो पफ बना सकते हो। ऐसे सिंपल वाली हेयर स्टाइल की वीडियो आपको यूट्यूब पर कई सारी मिल जाएगी, तो 2-3 आप सीख लीजिए। साड़ी वाली हेयर स्टाइल, अगर आपने साड़ी पहनी है तो साड़ी की भी हेयर स्टाइल आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो हेयर स्टाइलिंग के ऊपर खास ध्यान दीजिए, आप साइड में ब्रेड बना सकते हो, ऐसे कई सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके गाइज, तो नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप आपके फुटवेयर के ऊपर भी ध्यान दीजिए। अगर आपने कुर्ती पहनी है या तो आपने सूट पहना है और उसके ऊपर आप सैंडल्स पहनते हो, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। आप कुर्ती के लिए या तो सूट के लिए मोजरी भी पहन सकते हो, जो हमारे लुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार चांद लगा देती है। फैशनेबल हम काफ़ी अच्छे दिखते हैं और ट्रेडिशनल लुक में मोजरी काफ़ी अच्छी जाती है। तो आप अगर भले ही ब्रांडेड काफ़ी महंगी वाली मोजरी परचेस नहीं कर सकते हो, तो आपको राजस्थानी मोजरी, मोतियों वाली मोजरी, ऐसे स्टाइलिश मोजरी मार्केट में आपको कई सारी 500 या 600 रुपये में मिल जाएगी, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जब भी आप वेस्टर्न कपड़े पहनो तो उसके ऊपर आप ऐसे स्टाइलिश आप हील्स वाले या तो वेजेस पहन सकते हो या तो कई सारे ऐसे आप सैंडल्स पहन सकते हो, बट जब आप ट्रेडिशनल आप कपड़े पहनो तो उसके आप मोजरी पहनना ज़्यादा प्रिफर करो, क्योंकि वो हमारे लुक को काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल दिखाती है। ओके गाइज, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो ये पॉइंट है ना, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल पॉइंट है, बट जब हमारा पूरा लुक दिखता है तो उसके ऊपर भी काफ़ी हमें ध्यान देना पड़ता है कि आप लाइट मेकअप कर सकते हो और आप लाइट ज्वेलरी भी पहन सकते हो। भले ही आपका सूट या तो आपकी कुर्ती काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, नॉन ब्रांडेड है, बट जब आप लाइट मेकअप करते हो तो आपके लुक के ऊपर चार चांद लग जाता है, क्योंकि हमारा जो पूरा लुक होता है ना, वो सिर्फ कपड़ों के ऊपर नहीं होता है, पूरे ऊपर से नीचे हमारा पूरा लुक दिखता है, तब भी हम स्टाइलिश दिखते हैं। तो आप थोड़ा लाइट मेकअप कीजिए। लाइट मेकअप में यहाँ पर मैं फाउंडेशन यूज करने की बात नहीं कर रही हूँ, आप लाइट बीबी क्रीम, कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हो, आईलाइनर कर सकते हो, आईब्रो आप बना सकते हो, लाइट लिपस्टिक कर सकते हो। ऐसे लाइट मेकअप करने से भी हमारा जो पूरा लुक होता है वो स्टाइलिश भी दिखता है और हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे भी दिखते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर लाइट मेकअप के साथ लाइट ज्वेलरी भी पहन सकते हो। आजकल आपको कुर्ती के ऊपर ऑक्सोडाइज की ज्वेलरी काफ़ी सस्ते मिल जाती है, अलग अलग तरीके की आपको ट्रेंडी ज्वेलरी भी मिलती है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने कुर्ती के ऊपर जस्ट यहाँ पर एक ऑक्सोडाइज ज्वेलरी ही पहनी है, दूसरा कुछ यहाँ पर मैंने नहीं किया है। तो इस तरीके से आप ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और सिंपल वाला भले ही आपका सूट हो, तो सिंपल वाले सूट के साथ या तो सिंपल वाली कुर्ती के साथ आप एक ज्वेलरी पहन लोगे ना, तो आपका लुक काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा और आप लुक आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से हेयर स्टाइल से लाइट मेकअप की ओर और लाइट ज्वेलरी, इस तरीके से आप फुटवेयर पहनते हो, ऐसे पूरा हमारा जो लुक होता है यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो आपकी जो सिंपल वाली कुर्ती है या तो सिंपल वाला सूट है, वो काफ़ी अच्छा, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखता है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना, तो आपका सिंपल वाला सूट काफ़ी अच्छा दिखेगा। आई होप
कि आज का मेरा छोटा सा वीडियो, सिंपल वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी, तो आप आपकी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। और जब भी आप यू नो इन फ्यूचर में सिंपल वाली कुर्ती पहनो या तो सिंपल वाला सूट पहनो ना, तो ये टिप्स आप ध्यान में रखिएगा। और इस तरीके के मैं वीडियो और भी लाती रहूँगी ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको मेरे चैनल में बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीडियोस मिल जाएंगे जो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। टिल देन बाय गाइस, लव यू ऑल।